हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे क्लास 11th आरबीसी हिंदी मीडियम बायोलॉजी के अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज आप लोगों का सेल वॉल। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा क्या पढ़ा था, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन कौन सी होती है, किस किस तरीके से उसमें अंग होते हैं, जिन्हें आप लोग कोशिकांग बोलते हो, ये सेल ऑर्गन बोलते हो। ठीक है, आज हम उन्हीं कोशिकांगों को स्टार्ट करते हैं। पहला कोशिकांग आता है हमारे पास क्या आप लोगों का सेल वॉल। कोशिकांग का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये क्या होते हैं, कोशिका के अवयव, यानी कि कोशिका के भाग, कि वो अंग जो कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं बेटा, कोशिकांग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आप लोगों के, कोशिकांग कहलाते हैं। आई बात समझ में। आप अगर हम लोग बात करें कोशिकांगों की, तो कोशिका के अंदर अगर हम लोग बात करें किसी भी कोशिका की संरचना की, तो मैंने आपको बताया था कि संरचना का अध्ययन हम लोग कहां से कहां तक करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ, ना कि अंदर से बाहर की तरफ। आई बात समझ में कि कोशिका की संरचना क्या है, किसी भी अंग की, किसी भी वस्तु की संरचना का अध्ययन हम लोग कहां से करते हैं, बाहर से अंदर की तरफ करते हैं। आई बात समझ में क्लियर है बेटा। तो आज हम लोग सबसे पहला ऑर्गन लेंगे सेल वॉल। हालांकि सेल वॉल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इससे जो अगला टॉपिक है आप लोगों का सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेल वॉल की अगर हम लोग बात करें, कोशिका भित्ति की बात करें, तो वॉल का मतलब होता है बेटा आउटर लेयर, बाहरी परत। आई बात समझ में आया। तो इस केस में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वॉल का मतलब क्या होता है, आपका बाहरी परत या आउटर लेयर। क्लियर है। अब अगर हम लोग बात करें बेटा सेल वॉल की, तो वॉल का मतलब क्या है, बाहरी परत। अच्छा, काफी इसमें ऐसे शब्द हैं, हालांकि आप लोगों को मैं बताऊं, ये अपने आप में नोट्स ही हैं, बुक आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका एनसीईआरटी जो बुक है वो केवल आप लोगों का नोट्स ही है। आई बात समझ रहे। अब मैं बात करूं बेटा वॉल की, तो वॉल क्या है, वॉल सबसे बाहर का यानी एजेविक मतलब बेटा नॉन लिविंग। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि कोशिका का मृत भाग कौन सा है या अजैविक अंग कौन सा है। एक ही मात्र अंग है जिसे आप लोग कोशिका भित्ति बोलते हो, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, कोशिका भित्ति। काफी बार ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो कोशिका का अजैविक भाग है और कठोर है। कठोर की बात करें मतलब हार्ड लेयर है बेटा, सॉफ्ट नहीं होती है। ठीक है, हार्ड लेयर है। हार्ड को आप लोग रिजिड भी बोल सकते हो, रिजिड मतलब खुरदरा। ठीक है, चिकनी नहीं है, खुरदरी। ओके, तो खुरदरी आप लोगों की ये परत होती है। ओके, सबसे बाह्यतम परत है जो प्लाज्मा झिल्ली को चारों तरफ क्या करके रखती है बेटा, घेरे रखती है। जैसे माने ये कोई प्लाज्मा झिल्ली है, ठीक है, इसके चारों तरफ इस तरीके से जो बाहर एक हार्ड लेयर पाई जाती है, कठोर परत पाई जाती है, इसे आप लोग क्या बोलते हो, सेल वॉल बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, सेल वॉल बोलते हो। ठीक है, इसे आप लोग क्या बोलते हो, सेल वॉल बोलते हो। ओके, अब बात करें कि मुख्यतः ये किसमें पाई जाती है बेटा, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल वॉल होती है भाई। पादप हम लोग प्रोकैरियोटिक की तो पढ़ चुके, पूरी की पूरी प्रोकैरियोटिक की हम लोगों ने पूरी पढ़ ली। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात करें, यूकैरियोटिक की। तो यूकैरियोटिक में मुख्यतः ये पादप कोशिका में होती है, कवक कोशिका में होती है, लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। और जंतु कोशिका का ये यूनिक कैरेक्टर, अब यहां पर यूनिक का मतलब क्या है, मेल, यानी जो उसकी पहचान है। ठीक है, पादप कोशिका में बाहर हार्ड लेयर है, ओके, और जंतु कोशिका में क्या है, हार्ड लेयर नहीं होती है। ओके, तो जंतु कोशिका में क्या है बेटा, स्किन होती है हमारी बॉडी के अंदर। क्लियर है। अच्छा, इसका मेन काम क्या है, जो अवांछित माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, अवांछित मतलब अनडिजायरेबल। थोड़ा इंग्लिश में सिखा रहा हूं बेटा मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, अवांछित मतलब कि भाई जो कोशिका को नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वो अंदर आ रहे हैं जानबूझ के, जो कोशिका को नहीं चाहिए फिर भी वो क्या आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं जानबूझ के। तो अवांछित जो अणु है, अवांछित अणुओं के आवागमन पर, आवागमन जानते हो, आना और जाना, आवागमन का मतलब क्या होता है, आना और जाना। ठीक है, कि आवागमन पर अवरोधक। अच्छा, अवरोधक का मतलब क्या होता है, बैरियर का मतलब जानते हो आप लोग, नहीं जानते होंगे, हालांकि कुछ लोग ऐसे जो जानते होंगे। आप लोग जब रोड पे जाते हो,
आप लोगों ने देखा पुलिस का एक बैरिकेड लगा रहता है काफी बार, एक तरफा रास्ता धीरे चलिए, भारी भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित, ऐसा लिखा होता है, तो वो क्या है, बैरियर है। अच्छा, स्पीड ब्रेकर को भी आप लोग क्या बोलते हो, बैरियर बोलते हो, स्पीड बैरियर होता है, ठीक है ना, गति नियंत्रक होता है वो। ओके, तो बैरियर मतलब अवरोधक, जो किसी को भी क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। हमारे घर में गेट है, अगर गेट को बंद कर दिया, बैरियर है भाई, कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। ओके, तो ये क्या कर रहा है कि जो अवांछित अणु है, अनडिजायरेबल जो मॉलिक्यूल्स है, उनके आवागमन पर क्या कर रही है, अवरोधक की तरह कार्य करती है। क्लियर है ना, उनके आवागमन पर कैसे कार्य करती है बेटा, अवरोधक, बैरियर की तरह करती है। ओके, अब सेकंड पता क्या, सेल सिग्नलिंग, हालांकि मैं डिटेल में आगे कराऊंगा, आपको मैं बात बताऊं बेटा, इसमें पोर होते हैं, छेद होते हैं। अब पता क्या, दो कोशिकाएं हैं, अब यहां से कुछ मटेरियल निकला इस तरीके से, ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में एक चीज बनती है जिसे आप लोग बोलते हो प्लाज्मो डेस्मेटा, और ये प्लाज्मो डेस्मेटा पता है क्या होता है, कोशिका का टेलीफोन, सेल फोन बोलते हैं इसको, सेल का फोन, यानी दो कोशिकाएं। अब देखो जो नेबरिंग कोशिकाएं, यानी जो पड़ोसी कोशिकाएं, समीपस्थ कोशिकाएं, वो कोशिकाएं आपस में कॉन्टेक्ट में रहती हैं। ये जब आप क्लास 12th में पढ़ोगे, 12वीं कक्षा में जब आप कैंसर पढ़ोगे ना, तो कैंसर में डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि कैंसर के अंदर बेटा कॉन्टेक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अभी तो केवल इतने याद रखो कि कोशिकाएं आपस में संपर्क रखती है, और उन संपर्क में है कि सेल सिग्नलिंग में सहायता करती है। दूसरा, अब एक और बात, सिग्नलिंग का एक और उदाहरण देता हूं, माना कि कोशिका व्यक्ति, अब किसी भी अणु को अंदर आना है, तो यहां पर बेटा इसके रिसेप्टर होते हैं, जिसे आप लोग बोलते हो ग्राही, क्या बोलते हो, ग्राही। अब ग्राही क्या करेगा, ग्राही क्या करेगा, इस अणु को अपने साथ जोड़ देगा, ठीक है, और अब उस अणु का सिग्नल अंदर की तरफ लेके आएगा, केंद्रक तक, अंदर केंद्रक के पास आएगा, और केंद्रक क्या बोलेगा, आने दो अंदर, ठीक है। जैसे आप लोग अगर किसी, मैं आप लोगों को बताऊं, किसी इंस्टीट्यूट में गए हो, आप लोग किसी बड़े हॉस्पिटल में गए हो, तो बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड का रूम होता है, सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, आपका आने का कारण पूछता है, आप लोगों से वे पूछता है कि आप लोग कब आए हो, किससे मिलने के लिए आए हो, फिर उसको कॉल किया जाता है, बोले ये बंदा आपने मिलने के लिए बुलाया है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कोई आया मिलने के लिए, अब ये क्या कर रहा है, अंदर उसको भेज रहा है, तो पहले उसका सिग्नल ले रहा है, ठीक है, पहले उसके बारे में पूछताछ कर रहा है। या फिर अगर मैं बात करूं, आपके घर में कोई अनवांटेड पर्सन आ जाता है, ठीक है ना, तो घर में हम लोग जेंट्स पहले बाहर जाते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, हाँ भाई साहब किससे मिलना है, क्लियर है। अब वो किससे मिलना है, तो उसका एड्रेस देगा, या फिर आप किसी सोसाइटी में गए, किसी फ्लैट वाली सोसाइटी में गए, आपको सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा कि आपको किसके किससे मिलना है, ठीक है, आप क्या करोगे, भाई हमें पर्सन है, कोई ए पर्सन है, उसका नाम है, उसका एड्रेस है, हमें उससे मिलना है, तो वो कॉल करेगा, बोले कि आपका कोई रिश्तेदार आया, फिर आपको आपसे कोई मिलने के लिए आया। तो ये सिग्नलिंग का मतलब क्या है कि सिग्नल को ट्रांसमिट करना, भेजना, आई बात समझ रहे, सुरक्षा भाई, अब सेल सिग्नलिंग के साथ साथ सुरक्षा है, क्योंकि अनवांटेड जो है, अनडिजायरेबल जो है, उनको अंदर नहीं आने दे रहा है, क्लियर है। अब क्या कर रहा है, नॉर्मली अब बात कर रहा है बेटा, हम लोग यहाँ प्लांट सेल की बात करें, पादपों की बात करें, कि प्लांट सेल सेल शैवाल के अंदर, एल्गी के अंदर, शैवाल क्या होता है, एल्गी, एल्गी में किससे बनी होती है, सेलुलोज से, गैलेक्टोज से, और खनिज लवण से। अब खनिज लवण में कौन सा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट आदि से मिलकर बनी हुई होती है। लेकिन पौधों में लोग पता क्या बोलते हैं, सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है, मैंने भी लिख दिया, लेकिन अब इसको थोड़ा सा मैं क्रॉस मार्क लगा देता हूं, क्यों लगाता हूं वो सुनना, जब इसकी स्ट्रक्चर बताऊंगा, तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, लिग्निन के द्वारा निर्मित होती है। यहां तक हम लोग आए, अब अभी तक हमने क्या पढ़ा था, यही पढ़ा था, और टीचर यही पढ़ाते, टीचर सेलुलोज को ही पढ़ाता है, आगे वो जाता ही नहीं है, क्योंकि आगे उसको ही नहीं आता, ठीक है, तो सुनिएगा। अब मैं जब स्ट्रक्चर की बात करूं, तो बेटा जो कोशिका भित्ति है उसके अंदर इतनी ही स्ट्रक्चर नहीं होती जितनी आप समझ रहे हो, एक ही नहीं दिखाई देती, उसके अंदर मुख्यतः तीन या चार परतें होती है। जो सबसे अंदर की परत होती है, जो सबसे पहले बनती है, उसको आप लोग बोलते हो मध्य पटलिका, क्या बोलते हो, मध्य पटलिका। अच्छा, मध्य पटलिका बेटा किससे बनी होती है, यहां पर सबसे पहले, अब देखना ये कोई पादप कोशिका है, आई बात समझ में, उसमें विभाजन हुआ, क्योंकि हम लोग सेल थ्योरी पढ़ चुके, कोशिका का सिद्धांत पढ़ चुके हमने, हम ये पढ़ चुके हैं कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण है वो पुरानी कोशिकाओं से मिलकर होता है, यह पुरानी कोशिकाओं के द्वारा होता है। अब भाई पादप कोशिका थी, उसमें केंद्र का विभाजन हो गया, धीरे धीरे कुछ कण क्या करेंगे, इस कोशिका के बीचों बीच आकर फंस जाएंगे,
और वो कण किसके होते हैं बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट के, ठीक है, और वो धीरे धीरे इस तरीके से परत बना लेंगे और इस परत को आप लोग मिडिल लैमेला या फिर प्राइमरी भित्ति बोलते हैं, प्राथमिक भित्ति बोलते हैं, समझ में आया, मध्य परत बोलते हैं, मध्य पटलिका बोलते हो, क्लियर है। तो काफी बार क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली कोशिका विभाजन के दौरान सबसे पहली बनने वाली कोशिका भित्ति की परत कौन सी होती है, मध्य पटलिका, कौन सी होती है, मध्य पटलिका, ठीक है। अच्छा, अब मध्य पटलिका के ऊपर ये मध्य पटलिका है, बन गई दोनों तरफ देखो, ये रही ये नहीं बन गई, ठीक है। अब उसके ऊपर जब लिग्निन, कौन से लिग्निन और सुबेरीन, याद रखिएगा, ठीक है, लिग्निन सुबेरीन और पेक्टिन, और पेक्टिन, पेक्टिन के जो अणु हैं उनका जमाव हो जाता है, इस तरीके से अणु जम गए, ठीक है, अणु जम गए, तो इन अणुओं के जमने के कारण क्या होता है बेटा, आप लोगों की जो दूसरी परत जब बनती है, देखो ये दूसरी परत बना दी मैंने, ठीक है, इस दूसरी परत को आप लोग क्या बोलते हो, प्राइमरी वॉल, प्राथमिक भित्ति, प्राथमिक भित्ति, ठीक है, प्राइमरी लेयर है प्राइमरी वॉल, इसे आप लोग प्राथमिक भित्ति बोलते हो, आई बात समझ में, आई बात समझ में, दूसरी लेयर बन गई प्राथमिक भित्ति। अब जब इस प्राथमिक भित्ति के ऊपर आप लोगों का हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज जब आकर जुड़ जाता है तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, उसे आप लोग क्या बोलते हो, द्वितीयक भित्ति बोलते हो, ठीक है। शुरुआत में बेटा मध्य पटलिका बनती है, ठीक है, देखना किसी भी नवीन पादप कोशिका की कोशिका भित्ति या प्राथमिक भित्ति वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है। अब वृद्धि कौन सी होती है वो बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। परंतु अब जो प्राथमिक भित्ति है परिपक्वन के साथ साथ, भाई शुरुआत में बनी, अब जब परिपक्व हो रही है तो मध्य पटलिका और वो धीरे धीरे गायब हो जाती है, हालांकि गायब नहीं होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है, क्यों, क्योंकि हमें बाहर से तीसरी लेयर दिखाई देगी, क्लियर है, हमें बाहर से कौन सी लेयर दिखाई देगी, ये तीसरी, ठीक है। अच्छा, लास्ट में जब इसके ऊपर सेलुलोज की परत बन जाती है तो सेलुलोज की परत क्या होती है बेटा, तृतीयक भित्ति। ओके, अब मैं आपको बात बताता हूं, इसको छोड़ दो, आप मकान बनता हुआ देखा है, सबसे पहले ईंटों की दीवार होती है, ठीक है, ईंट वाली दीवार क्या है, मध्य पटलिका, उसके ऊपर प्लास्टर हो गया सीमेंट का, प्राथमिक भित्ति, ठीक है, उसके ऊपर व्हाइट वॉल पुट्टी कर दी, क्या हो गया, द्वितीयक भित्ति, और फिर आपने कोई कलर कर दिया तो हमें तो दीवार बेटा कलर वाली दिखाई देगी, हमें दीवार किसकी दिखाई देगी, कलर की, तो कलर के कारण, कलर के कारण अब यहां हमें किसकी दिखाई दे रही है, हमें तो ये सेलुलोज ही तो दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। लेकिन पादप कोशिका के अंदर चार परतें होती है, मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति और तृतीयक भित्ति, और तृतीयक भित्ति जो है सबसे बाहर की परत जो है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज क्या है वो सुनिएगा, सेलुलोज जो है बहुत हार्ड, बहुत ही कठोरतम आपका पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, जो स्टार्च का, नॉर्मली मैं आप लोगों को बताऊं, स्टार्च का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, स्टार्च की बहुत जटिल अवस्था होती है। ओके, अब मध्य पटलिका का एक और काम है कि ये दो कोशिकाओं के बीच में, भाई अब यहां कोशिका बनी, यहां बनी, दो नवनिर्मित कोशिकाओं के बीच में संयोजक, संयोजक होता है बेटा ब्रिज, ठीक है, दोनों के बीच में क्या करेगी, ब्रिज की तरह काम करेगी, संयोजक की तरह काम करती है, क्लियर है ना बेटा, क्लियर है, ओके, गॉट इट। अब थोड़ा सा आगे अगर हम चले तो पादप कोशिका भित्ति का एक और काम होता है, जो मेजर काम होता है, दैट इज वृद्धि। वृद्धि बेटा कितने प्रकार की होती है वो सुनिएगा, और पादप कोशिकाओं में वृद्धि होती कैसे वो भी सुनिएगा। नॉर्मली वृद्धि जो है वो दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है प्राथमिक वृद्धि और एक होती है द्वितीयक वृद्धि। हालांकि आप लोगों के चैप्टर आएगा द्वितीयक वृद्धि का, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में तो क्या है, पौधे की जो हाइट है यानी ऊंचाई जो है उसमें वृद्धि होती है, ठीक है, लंबाई बढ़ रही है। हम लोगों में भी प्राथमिक वृद्धि क्या होती है बेटा, ऊंचाई में होती है, ठीक है। अब द्वितीयक वृद्धि, आप लोगों ने मनुष्यों में तो बेटा द्वितीयक लैंगिक लक्षण पढ़े होंगे, भाई दाढ़ी मूंछों का आना, ठीक है, ओके, तो ये नर में होता है। जैसे अब द्वितीयक वृद्धि हो गई तो हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, क्लियर। तो द्वितीयक वृद्धि में क्या है कि हाइट नहीं बढ़ती है, लेकिन जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है वो परिपक्व हो जाते हैं। इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो इस वृद्धि में क्या आती है, लैंगिक परिपक्वता। ये तो ठीक है, मैंने मनुष्यों की बात करी, जंतुओं की बात करी, ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं पौधों की तो बेटा पौधों में क्या होता है, पौधों में इसमें तने की मोटाई में वृद्धि होती है,
ठीक है। शुरुआत में आप एक पौधा लगाओ, बहुत पतला तना होता है, ठीक है, जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ना पूरी हो जाएगी तो तना क्या है, मोटा हो जाएगा। आई बात समझ में, तना क्या है बेटा, मोटा हो जाएगा, हेल्दी हो जाता है। आई बात समझ में, तो इसमें क्या है, पौधों के तने की मोटाई में वृद्धि होती है। क्लियर है ना, क्लियर है, ओके। अब थोड़ा सा आगे बात करें बेटा, वृद्धि जो कितने प्रकार की होती है, कोशिका भित्ति के निर्माण में कितने प्रकार की वृद्धि होती है। नॉर्मली दो टाइप की होती है, एक तो होती है किस तरीके से होती है, तरीके के आधार पर, एक तो होता है कर्णाधान और एक होता है स्त्राधान। यानी अब भाई ये कोई लेयर, यहां पर एक लेयर बना, ठीक है, अब इस लेयर के ऊपर या इसके बीचों बीच इस तरीके से कण बन जम गए, ठीक है, तो एक अब देखो दो परतें थी, बीच में एक कण जम गए तो एक तीसरी परत बनी। यानी कि जब दो परतों के मध्य रिक्त स्थानों में कणों का जमाव हो रहा हो तो उसे आप लोग क्या बोलते हो, कर्णाधान वृद्धि बोलते हो, ठीक है। अच्छा, अब स्त्राधान का मतलब क्या है भाई, ये एक परत थी, इसके ऊपर दूसरी परत बन गई। यानी परत के ऊपर जब दूसरी और तीसरी परतों का निर्माण होता है तो इस तरीके से वृद्धि को आप लोग क्या बोलते हो, स्त्राधान, ठीक है। कार्य क्या है, पहला कार्य आप लोगों को मैं बोल के बताता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, कोशिका भित्ति सुरक्षा करती है, दूसरा यांत्रिक सहायता करती है, ठीक है, थर्ड अवांछित अणुओं के आवागमन पर अवरोधक की तरह कार्य करती है, चौथा आप लोगों के कोशिका सिग्नलिंग में मदद करती है, ठीक है, सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करती है, पांचवा आप लोगों को यांत्रिक सहायता देती है, छठा आप लोग जो कोशिकाएं हैं उनको एक नियमित आकार प्रदान करती है। आई बात समझ में। एक और बात आप लोगों को बताऊं, काफी बार क्वेश्चन आता है कि फल पकने पर नरम क्यों पड़ जाते हैं। बेटा क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि फल पकने पर नरम और पीले क्यों पड़ जाते हैं। देखो, क्योंकि प्राथमिक भित्ति में उपस्थित पेक्टिन जो है वो पेक्टोसेलुलोज में बदल जाता है, इसीलिए फल पकने पर क्या पड़ जाते हैं बेटा, नरम पड़ जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे अगले ऑर्गन की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।